क्या हो गया? कौन से कुर्सी? अरे भाई बताना, वीडियो में मैंने बता ही नहीं गाइस, ये कुर्सी मेरी देख लीजिए। क्या करें, देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी काल। ब्लॉग के इस वाले पार्ट तक जो एंड वाला है वहाँ तक बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं, एंडिंग कोई नहीं देखता है। बट जो भी देख रहा है उनसे रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर करो जितना हो सके, एंड कल वाले ब्लॉग से मैं अब शेयर सब्सक्राइब लाइक वाला सबसे पहले डाल दूँगा ताकि कोई तो सब्सक्राइब करेगा एक आधा सुन के। तो प्लीज़ अगर यहाँ तक पहुँच गए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। क्या टाइम गाइस पूछ रहा चश्मे में कांच है कि नहीं, कैसी बातें करता है यार, देखना होगा ही। और ऐसे भी किसको पता चल रहा है कि नहीं है, नहीं दिख रहा। गाइस मेरी मैच्योर करते इसको स्टार्ट करते हैं। यार इसका स्टार्ट करने वाला सिस्टम बहुत मस्त है। और फिर क्या हाल आप सभी के, बढ़िया होंगे? हाँ बढ़िया ही रहने चाहिए, मेरे भी बढ़िया भाई। आप सभी को गुड मॉर्निंग। और ये देखिए भाई फटाके तो ये भी फोड़ती है, चाहे आवाज़ कम हो लेकिन फटाके फोड़ती है भाई। हमारी भी गाड़ी सुपर बाइक ना हो लेकिन एक अच्छा सेगमेंट तो ही। अब ये इसके पीछे की स्टोरी यार मेरे को बतानी है आपको एक दिन, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा। जब अच्छे खासे ब्लॉगर क्या है यार सब्सक्राइबर हो जाएंगे, जब देखने वाली जनता होगी तभी तो घर वाले देख रहे हैं। हाँ आप सभी घर वाले ही हो जो देख रहे हो, उसके अलावा कोई भी नहीं मेरे को लगता। ज़्यादा 50 तो व्यू आते हैं यार फिर भी लगे हैं, तो वो पेशन करने का इसलिए कर रहे हैं। एंड देखिए मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ, मेरे घर के आसपास क्या ही नज़ारे हो रहे भाई। गुल मोहर पे गुल ही गुल खिल गए। एंड आई होप वीडियो क्वालिटी अब थोड़ी सी बेटर होती जा रही होगी, क्योंकि कैमरा स्विच नहीं क्या? कैमरा तो वही है रियलमी X7 5G, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बट क्या है कि थोड़ा सा अल्ट्रा स्टडी मोड पे मैंने डाल दिया तो थोड़ा सा शेकी कम हो गया। उसके बाद फिर आई डोंट नो, मैंने कल की वीडियोस में थोड़ा सा चेक किया तो पीछे ब्लर इफेक्ट भी आ रहा, पता नहीं कैसे है क्या है। इन देखिए यहाँ से चेक करवाता हूँ आपको मेरे घर के नज़ारे। हाय 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 स्वर्ग भाई स्वर्ग। और ये रहा गाइस घर, हरियाली हरियाली। तो चलिए खाते हैं खाना, उसके बाद फिर चलते हैं भट्टे की तरफ निकलते हैं। पहले तो डीजल लाना, पर डीजल कैसे लेके आएंगे यार मेटियोर पे? अभी मेरी डीजल की कैन बांधने की हिम्मत नहीं है। हिम्मत तो क्या, लेकिन थोड़ा सा लगता है कि यार नहीं कोई इतना क्या कि अन्याय हो जाएगा उसके साथ। अभी तो अगर पापा आएंगे, पापा भी गए। एंड देखिए आम का पेड़ तो भाई इतने हैं गिनवा दूंगा मैं। आम अंगूर तो ख़त्म हो गया, सॉरी। आम सेब मतलब बहुत है यार, सीताफल, उसके बाद फिर बादाम, जाम तो ये रहा पीछे ही है मेरे। एंड इसको क्या बोलते हो आप सब, कट इमली, बिलायती इमली, जो भी है वो भी है। चलिए इसको करते थोड़ी देर बंद, अभी तो खाना है तो अभी आधा घंटा लग जाएगा अपने को। तो इसको फालतू पेट्रोल जलाने से कोई मतलब नहीं, महंगा है 108 से भी ऊपर, 108.66 आई थिंक मैंने सही गेस किया होगा, क्योंकि मैं पेट्रोल पंप पे जाता रहता हूँ, काम पड़ता रहता है। तो अमीर लोग रोज काम करता पेट्रोल पंप पे। चलते गए सब भट्टे पे, काफ़ी लेट हो चुके हैं। कल भी पापा बोल रहे थे जल्दी जाया करो, आज भी बोल रहे थे चलते हैं। एंड यार मौसम ख़राब होने वाला है तो थोड़ा सा समेट लेते माल को, अदरवाइज वापस से लॉस में चले आएंगे, बेटर है ये सब। व्लॉगिंग में सोच रहा हूँ कि तीन चार दिन मतलब 15 से 20 दिन और बचे हैं भट्टे के, तो हुआ तो करता हूँ या तो फिर 10-15 दिन बंद कर दूँगा। वैसे भी सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे, तो आप बढ़ा दोगे तो फिर सोचेंगे जल्दी से 15 दिन के अंदर अंदर कर दूँगा। गाइस फाइनली ऑन द भट्टा, आपसे बात करने के 5 मिनट बाद भट्टे पे। ये जब कैमरा आपकी तरफ हो ना तब बोला करो, ऐसे दिखता थोड़ी है, कैमरे को थोड़ी पता है कि आप गुड मॉर्निंग बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, अब बोलो। गुड मॉर्निंग सर, हमारे सर आ चुके
पुराना लोवर गाइस, पुराना लोवर पहना है ईसा का तो वो दिख गया इनको। चलो काम करो, क्या बैठे हो? चलो ठीक है, माफ किया गाय से। मारना चाहते हैं मेरे को? कैसे मारना चाहते हैं? अच्छा यस सर कर रहे हो ऐसे डरा के? क्या हो गया? कौन सी कुर्सी? अरे भाई बताना, वीडियो में मैंने बताई नहीं यार। गाय से एक कुर्सी मेरी देख लीजिए। क्या करे, देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी काल। गरीब सेठ भाई, गरीब सेठ, गरीब ब्लॉगर, हैशटैग गरीब ब्लॉगर। गाइस कमेंट में ढेर लगा दो कमेंट, क्या 50 लोग तो ब्लॉग नहीं देखते, उसमें से 2 लोग कमेंट करेंगे। यार सब्सक्राइबर बढ़ जाए भगवान, सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहे यार, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे यार, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे मेरे, क्या करूँ? बढ़ेंगे कब? जनता को कितना मजा आ रहा है यार। मेरा कैमरा कितना ज्यादा शेक कर रहा है यार, बहुत ज्यादा। क्या हो गया रे? अच्छा ऐसा क्या? कर लो खाली कर लो। सबको बहुत ज़्यादा हंसी आ रही मुझे देख देख कर। आज के ब्लॉग की तो गाइस 12 बजा दी हवा ने यार, सुबह सब लोग ही नहीं कर पाया, और हवा इतनी भयंकर चल रही है, अभी भी भयंकर चल रही है, मेरे को पता नहीं आवाज़ आ रही या नहीं आ रही, लेकिन बिल्कुल भी देखिए पेड़ों से समझ सकता इतनी भयंकर हवा चल रही है, और आवाज़ तो आ ही रही होगी मेरी और हवा की भी। दोस्तों हो चुकी है शाम एंड समय हो रहा है छुट्टी का, लेकिन हमारे वर्कर सभी लगे, ये जो लगे ये तो वर्क बेसिस पे है, एंड कुछ वहाँ पर लगे अगर दिख रहे हो तो वो तो अभी 3-4 घंटे और करवाने का मूड है कि वो कर ले बस, क्योंकि सुबह दूसरा काम भी लगाना है, तो जिस काम को अगर वो कर लेंगे 3-4 घंटे में तो सुबह दूसरा काम हो जाए, अदरवाइज तो जो 3-4 घंटे का काम है ये सुबह अगर करेंगे तो पूरा दिन खींचेंगे और वो पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो हम नहीं चाहते कि वो हो, तो बेटर है कि जल्दी से काम हो दूसरा प्रोसेस स्टार्ट कर दें, क्योंकि माहौल 16-17 और 18 को वापस से बारिश वाला बताया जा रहा है, एंड हम नहीं चाहते कि अब कुछ लॉसेस हो। लॉसेस तो बारिश में होते ही हैं, बट जितना मिनिमम उसको कर सकते हो। यार मेरा है ना चश्मा घूम गया पता नहीं, एक बार पापा ने सुबह बोला था कि चश्मा तेरा गिरा ये उठा ले, अब वापस से पता नहीं लापता हो चुका, पता नहीं आ गया, तो उसका पता नहीं क्या करते हैं। देखिए सनसेट वाला टाइम है, क्या मस्त व्यू है, एंड गांव के मतलब नदी के उस पार भजन भी चल रहे हैं, क्योंकि वहां पर यज्ञ वगैरह चल रहे हैं, तो शाम सुबह होता रहता कुछ ना कुछ फंक्शन, इसे फ्री नहीं बैठते कोई, तो चलते वैसे घर, ये काम देखते हैं भैया अगर आएंगे तो वो करवाएंगे, या फिर जैसा भी होगा यहाँ पे रुकना पड़ेगा काम करवाने के लिए, तो देखते हैं कौन रुकता है। तो मैं तो यार एडिटिंग करनी मेरे को, मैं तो जाऊँगा वरना एडिटिंग नहीं होगी, और फिर सुबह वापस देखूँगा कोई मतलब नहीं, और मैं सोच रहा हूँ कि अब सुबह सुबह थोड़ा सा जल्दी चलते एटलीस्ट 8 बजे काम तक पहुँच जाए, बट मतलब तो होगी उसमें देखते हैं क्या मैनेज करते हैं। देख रहे हो टैलेंट भाई, खड़ी घाटी चढ़ानी वो भी इतना लोड लेके भाई, ट्रैक्टर की और ट्रैक्टर के टायर की 12 बजा रहा है यार ये ड्राइवर, क्या मतलब है इतना ऊपर चढ़ाने से वहाँ। भाई आधा ट्रैक्टर तो ऐसे खत्म हो जाता, अब वो वहाँ से नहीं चढ़ेगा, अब उसको ये देखिए वहीं से चढ़ाना है, नहीं चढ़ेगा फिर भी पलटा के लिया भाई, क्या समझाएं यार, ये ब्लॉग दिखता होगा ना तो ये बोलता है पटेल क्या क्या बोलते रहते हैं। गाइस मिल गया चश्मा मिल गया, मैंने यहाँ रख दिया था और यहाँ रख के भूल गया, यार बहुत हेल्प करता है, बट इसके बीच बहुत आगे अब चेंज करना पड़ेगा,
अभी गरीब ही यार, अभी फ़ोन चेंज नहीं कर पा रहे, व्लॉगिंग कर रहे उसके बावजूद, तो इसको क्या ही चेंज कर पाएंगे भाई। पहुँच चुके दोस्तों घर, एंड देखिए ना भैया को लाड़ प्यार हो रहे, भैया दादी से लाड़ प्यार मिल रहे बहुत, और काका से भी मिल रहे, खिलखिला दी यार नव्या। आई नो क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होगी, लाइट कम है यार, एंड मोबाइल का प्लेस तो भाई बस चेहरा दिख जाए भाई बहुत। लेकिन इसको देखिए, इसके पता नहीं क्या गेम्स चलते रहते हैं यार। इसका फ़ोन से पीछा छुड़वाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मतलब फ़ोन चलाने लग गया है, एंड दादी बिगाड़ रहे उसको, उसकी मम्मी बिगाड़ रहे उसको, मेरा फ़ोन हाथ ही नहीं लगाता भाई ये, मेरा फ़ोन तो अगर होगा भी नहीं, उसके पास चालू भी होगा तो भी ला के देगा कि अंकल आपका फ़ोन ले लो, लेकिन मेरा फ़ोन नहीं चलाया। लेकिन दादी दादाजी और पापा ने तो ऐसा बिगाड़ रखा है, वो आए नहीं तो उनका फ़ोन की तलाश शुरू हो जाती है बस। नव्या यार, एक तो बच्चों के ऊपर ऐसा फ्लैश लाइट ऑन करके ब्लॉगिंग करना अच्छा नहीं लगता, बट क्या करें, दिखाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। क्यों नव्या, नव्या के सॉफ्ट सॉफ्ट पैर, नव्या के पैर का रिएक्शन देखता हूँ मैं, क्या देखे 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 कैसे बचा रही। नहीं इसको देखिए यार, कितना लाड़ प्यार आ रहा है इसको, देखो क्या है। और देखो गाइस, जूते एंड मोजे पहनने के बाद पैर पे कितनी धूल, तो आप समझ सकते हो दिन भर में कितनी धूल उड़ी होगी। ये सॉक्स एंड शूज दोनों पहने थे उसके बाद, क्या क्या हो गया हाँ? ज्यादा लाड प्यार आ गया गाइस इसको। नव्या अरे बस 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 मत पैर साफ करो बस, ये भगाना आ गया। क्या बोल दिया इतनी देर में, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। हाँ करते हैं गाइस डिनर, डिनर का टाइम हो चुका, पहले हाथ पैर धो लेते हैं, फेस वॉश कर लेते हैं, उसके बाद फिर करते हैं डिनर। एंड देखिए कैसे ऊंची गर्दन करके व्लॉगिंग करनी पड़ रही, क्योंकि यार लाइट एक ही चल रहा है यहाँ पे। गाइस यहाँ चल रहा है हम चारों का डिनर, थाली के लेकिन डिनर चार लोग कर रहे हैं, केरा ये मम्मी की थाली, ये मेरी, और ये सबसे बड़े बच्चे की, घर पे देखो ये बहुत दिनों बाद दिखो यार, है ना, क्या है बहुत टेस्टी लोग करने का टाइम पे मतलब भैया रहते नहीं, और हमें लोग थोड़ा यार क्या के पब्लिकली करने में थोड़ी शर्म आती है भैया के सामने, मतलब थोड़ा सा अभी नए नए तो लगता है, पापा के सामने भी ब्लॉग करना, मेरे सामने मतलब कोई भी हो, अकेले में ब्लॉग करना, कैमरे के सामने बोलना, सोचने सब से एक सब बैठे हो सब साथ हो तब बोलना, मतलब सोचना पड़ता हो, तो धीरे धीरे आदत छूटेगी, धीरे धीरे सब कुछ होगा, सभी के साथ होता है, हमारे साथ भी होता है। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरा ब्लॉग देखने के लिए, इस ब्लॉग को करते हैं यही समाप्त। तो अगर यहाँ तक पहुँच चुके तो प्लीज़ एक पसंद करने वाला बटन होगा ऐसा करके कुछ, वो दबा देना, और जितना हो सके शेयर करो। यहाँ तक मुझे पता है कि ब्लॉग के इस वाले पार्ट तक जो एंड वाला है वहाँ तक बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं, एंडिंग कोई नहीं देखता है, बट जो भी देख रहा है उनसे रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर करो जितना हो सके, एंड कल वाले ब्लॉग से मैं अब शेयर सब्सक्राइब लाइक वाला सबसे पहले रखूँगा, ताकि कोई तो सब्सक्राइब करेगा एक आधा सुन के। तो प्लीज़ अगर यहाँ तक पहुँच गए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। होप यू एंजॉय इट, बाय बाय, गुड नाइट।